हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करने के लिए पिछले 9 वर्षों में देश के ग्रामीण युवाओं को कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में 12 लाख से अधिक युवाओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 2023-24 के बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल्य विकास केंद्र खोलने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों के 350 तालुका में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। यहां करीब 5 लाख लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण पा सकेंगे। प्रत्येक सेंटर में पारंपरिक तथा कौशल के अन्य 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। कोर्स की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। ये केंद्र प्रतिवर्ष लगभग 50,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए सक्षम बनाएंगे। ये राज्य और देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करेगा। कौशल्य के साथ व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ये सेंटर्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम के प्रशिक्षण के लिए भी उपयुक्त होंगे। महाराष्ट्र के युवक अपने कुशल कार्यबल से आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे और अमृतकाल में भारत को दुनिया का कौशल मानव संसाधन हब बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।